ये बहुत ही खतरनाक बंदर हो चुका है, लोगों को अभी तक 20 लोगों को काट चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंदर को पकड़ लिया गया है। पाँच छह घंटा से यहाँ पे हैं, तो कितने लोगों को काट चुका है अभी तक? अरे कल से आज तक ले 10 आदमी से ऊपर के काट दिया। और आपके में भी डर का माहौल बना हुआ है? अरे कल से तो हम लोग घर में से निकले नहीं। वन विभाग के फॉरेंसिक टीम को क्यों नहीं दिया गया? नहीं सेफ्टी इसमें कुछ तो ये सब काटा आपको? कल 4-5 बकरी में काटा था। बहुत आदमी के काल आज मिल के काट ले। सुनने में आया कि आप लोग के टीम के किसी सदस्य को बंदर ने काट? हमने काट लिया। पकड़ने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग मिला है कि नहीं? बंदर को पकड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग मिला है? ट्रेनिंग नहीं सुन भाई साहब। ट्रेनिंग मिलने के बावजूद कैसे काट लिया आपको बंदर? वेलकम बैक टू द चैनल ऑन बबलू पांडे ACT। तो दोस्तों आज हम बिहार के गोपालगंज जिला के हथुआ ब्लॉक के कुसौदी पंचायत में हैं और यहाँ पे एक बंदर पागल हो चुका है जो लोगों को अभी तक करीब करीब 20 से 25 लोगों को काट चुका है। और यहाँ पे मीरगंज थाने के प्रभारी सर आए हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कितने लोगों को अभी तक बंदर काट चुकी है और इसके पकड़ने के लिए क्या क्या व्यवस्था लगाया गया है। तो पकड़ने वाले को काट दिया। तो नमस्कार, सबसे पहले आपका सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। अभी अभी तक कितने लोगों को काट चुकी है बंदर ने? आप अपने बताए कितने लोग काटा है, गाँव का आप हैं तब? करीब करीब 20 से 25 लोगों को काट चुकी है। और सुनने में आया कि फॉरेंसिक टीम को भी काट दिया, फॉरेंसिक टीम को भी काट दिया एक आदमी। और सर अभी सुबह से लगे हुए हैं, अब क्या लगता है कब तक पकड़ा जाएगा? अब देखिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कब तक लोग पकड़ा जाता है। आदमी को तो जख्म कर दिया पूरा। तो जो जख्मी जो व्यक्ति हैं उनको हॉस्पिटल ले गया? ले गया था, इलाज करा के अभी लाए हैं, लेकिन उनको टाका दिला। यहाँ तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है। कहाँ कुसौदी में अभी हॉस्पिटलाइज का व्यवस्था नहीं है क्या? ना हॉस्पिटलाइज हुआ है उसका। कुसौदी में डॉक्टर नहीं अवेलेबल है जांच करने? नहीं, उसके यहाँ दवाई नहीं था, दवाई हम प्राइवेट से लिए हैं। अभी कुसौदी में हॉस्पिटल जो नया खुला है उसमें मेडिसिन का भी व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से हथुआ जाना पड़ा इन लोगों को दवा लेने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि आप मेडिकल की व्यवस्था कराएं और अच्छे अच्छे डॉक्टरों का व्यवस्था कराएं ताकि हम लोग को हथुआ ना जाके कुसौदी अच्छे उपचार मिल जाए। और यहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी आए हुए हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन का सामान नहीं है, कैसे कैसे उसका व्यवस्था क्यों नहीं हुआ है? का प्रोटेक्शन का बंदर को कैसे बंदर काट ले रहा है? बंदर काट ले रहा है? बंदर हाँ। तो कटवे करेगा जब तो, उसको अरे वन विभाग के फॉरेंसिक टीम ठीक है वन विभाग के फॉरेंसिक टीम के पास कोई ना कोई सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, जैसे बिजली विभाग में हो गया आपको ग्लव्स वगैरह शूज वगैरह दिया जाता है, तो इसमें वन विभाग के फॉरेंसिक टीम को क्यों नहीं दिया गया? नहीं सेफ्टी इसमें कुछ। तो ये सब प्राइवेट संस्था से आए हुए क्या? हां प्राइवेट से इन लोग और वही गवर्नमेंट कर रहते तो उन लोग प्रोटेक्शन के लिए कहां? गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कहां? प्रॉपर ट्रेनिंग अगर मिलता अगर वन विभाग के फॉरेंसिक टीम को तो उनको बंदर नहीं काटता, लेकिन ट्रेंड लोग आए हुए हैं तो जरूर काटेगा। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ट्रेंड बंदे को भेजें ताकि बंदर से अपने आप को भी सुरक्षा करें और लोगों का भी सुरक्षा इससे प्रदान हो। तो सर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए कुछ प्रोटेक्शन का सामान जरूरी है, आप इसको दिलवाने का काम कीजिए। ठीक है, लोग पकड़ता है? जी प्राइवेट भी लोग पकड़ता है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाती है क्योंकि सभी लोग अपने जान को जोखिम में डालकर और बंदर को पकड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं मंडी जी, आइए इधर आइए। तो कितने लोगों को काट चुका है अभी तक? अरे कल से आज तक ले 10 आदमी से ऊपर के काट दिया है। और आप में भी डर का माहौल बना हुआ है? अरे कल से तो हम लोग घर में से निकले नहीं, इसके चलते कल से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम के पास ले चलते हैं और दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं बंदर को पकड़ने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बंदर को पकड़ने के लिए सारी व्यवस्था लगाई गई है और बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं अभी बंदर को पकड़ने के लिए। और कब तक पकड़ा जाएगा? आज पकड़ा जाएगा। तो बंदर यहीं पे आएगा? तो इन लोगों का कहना है कि बंदर को यहीं पे चारों तरफ से घेर के लाएंगे और पकड़ेंगे। अभी सुनने में आया कि आप लोग के टीम के किसी सदस्य को बंदर ने काट? हमने काट लिया। आप ही को काट लिया? थोड़ा दिखाइएगा हाथ। तो अभी हम बताना चाहते हैं जो बंदर पागल हुआ है वो एक देख सकते हैं एक कर्मचारी को काट लिया है जिसके कारण कितना टाका पड़ा इसमें? टाका नहीं बचाएगा, टाका पड़ेगा मायरा। बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, काट लिया है बंदर ने और यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है तो अधिक अच्छा से उपचार नहीं हो पाया, इसके लिए इनको कहीं बाहर जा कुछ और लोगों से बात करते हैं। और भैया कितना देर से मेहनत कर रहे हैं? जी 2 घंटा से। 2 घंटा से लगे हुए इसमें?
किस प्रकार व्यवस्था है इसमें, कैसे पकड़ा जाएगा? जाल है, इसमें रोटी डाला जाएगा, दाना डाला जाएगा। अच्छा, इसमें दाना डाला जाएगा, आप लोग घेरा देख सकते हैं, इसमें दाना डाल के उसके बाद से पकड़ा जाएगा। आइए इस चाचा से बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कब से लगे हुए? सुबह से 2 घंटा हो गया है, सुबह से 2 बजे से 2 घंटे से लगे। और कब तक पकड़ा जाएगा? अब पकड़ा जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अभी आएगा, अभी पकड़ा जाएगा। अच्छा, पकड़ने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग मिला है कि नहीं? बंदर को पकड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग मिला है? ट्रेनिंग है सुन भाई सुन, ट्रेनिंग मिलने के बावजूद कैसे काट लिया आपको बंदर? अरे काट लिया गलती से, मान लिया हम लोग इधर खड़ा है, पीछे से काट दिया। तो कोई सुरक्षा नहीं है बंदर के ना काटने से? कोई सुरक्षा अपने बॉडी पर नहीं लेकर चलते हैं आप लोग? बॉडी पर क्या लेकर चले हैं, बोलिए ना, सरकार के विभाग से आए हैं, विभाग बुलाया है तो आए हैं। तो विभाग आप लोगों को केवल बंदर पकड़ने के लिए बुलाती है, कोई सुरक्षा नहीं देती है शरीर पे, बॉडी पे कुछ? ऐसे जाएंगे तो देगा सुरक्षा? अच्छा, ऐसा बात थोड़ा है कि सुरक्षा नहीं देगा। टोटल कितने लोग हैं एक बंदर को पकड़ने के लिए? 6 आदमी हैं हम लोग। टोटल 6 आदमी लोग हैं अभी बंदर को पकड़ने के लिए। तो चाचा, सुबह से कितने लोगों को काट चुका है बंदर? बहुत आदमी के काल आज मिल के काट ले बा, बहुत ज्यादा लोग काट ले बा, अभी डर बाकी और लोग के काट ली। हाँ, आप लोग देख सकते हैं बंदर के दहशत के कारण इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं और इनमें डर का माहौल बना हुआ है, कभी भी ये भाग सकते हैं। अभी एक देखिए, एक पेशेंट को काट लिया है, कल का बंदर काटा हुआ है। और कब काटा आपको? कल 4-5 बजे करीब में काटा था। 4-5 बजे करीब में कहाँ काटा है? कूल्हे पे काटा है, देखा गलत जगह काटा है, पूरा काट दिया है। एक नौले का दवा लगाया साथ में, एक और आदमी को काटा हुआ है। और देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, डर का माहौल बना हुआ है। किस लिए आए यहाँ पे? बंदर देखने। बंदर देखने और काटने पड़ जाएगा तब तो भागेंगे। ये लोग अपने जान को जोखिम में डालते हुए और देखने के लिए आए हैं बंदर को, और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। वहाँ पे एक पेड़ है, आम का पेड़ है, वहीं पे बंदर बैठा हुआ है और वहाँ पे सारी प्रक्रिया हो रही है वहाँ पे पकड़ने की। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बंदर को किस प्रकार रेस्क्यू किया जा रहा है, और सामने देख सकते हैं रोटी बंदर को खिलाया जा रहा है, और वहाँ पे फॉरेंसिक टीम है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। कभी भी ये बंदर अटैक कर सकता है लोगों पे, इधर करो कैमरा थोड़ा, कभी भी बंदर अटैक कर सकता है इन लोगों पर। और देख सकते हैं किस प्रकार राहत बचाव की टीम कुछ लगी हुई है बंदर को पकड़ने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंदर को पकड़ लिया गया है और जांच के फॉरेंसिक टीम के द्वारा। इधर उधर उधर मोबाइल इधर लगते हैं बंदर को पकड़ लिया गया है, और हम दिखाना चाहते हैं राहत बचाव की टीम ने बंदर को पकड़ लिया है। ये बहुत ही खतरनाक बंदर हो चुका है, लोगों को अभी तक 20 लोगों को काट चुका है, और यहाँ पे देख रहे हैं कितने मुश्किलों का सामना करते हुए बंदर को पकड़ा गया है। और सुरक्षाकर्मी अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पे बंदर को पकड़ रहे हैं। थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग देख सकते हैं कितना डर का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुरक्षाकर्मियों के द्वारा कितना मेहनत करने के बावजूद यह बंदर पकड़ा गया है। अब करीब करीब ये 20 से 25 लोगों को काट चुका है, और इसको दाबने में करीब करीब 10 लोग लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा चाचा मेहनत करने के बावजूद बंदर को पकड़े हैं, और यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, साइड होइए, पीछे होइए आप लोग, पीछे पीछे हो साइड हो आप लोग, कितना बनाओ जी, ना बोरा ला ला। बोरा 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 बोर
डबल बोरा बा बोरा पाटलो बा ए भाई बोरा पानी नहीं भाई आओ बोरा मार डबल बोरा बा डबल फिर वो प्लास्टिक के चोकर को बोरा डाला प्लास्टिक वाला ले ले वो जरा ठीक के हो निकले अब बोरा देखल बस बस ठीक बा छोड़िए मत भक्त तो दोस्तों अभी बंदर को पकड़ लिया गया है यहाँ के वन विभाग के फॉरेंसिक टीम के द्वारा। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे बंदर इस बोरा में कसा हुआ है और बहुत ही खतरनाक है जानवर है, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को काट चुका है और घायल कर चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे इस भाई साहब को भी काट लिया था बंदर ने, आपने उससे पहले ही दिखाया था। और यहाँ पे लोगों का डर का माहौल लोगों में देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जो वन विभाग के फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य जो चाचा बहुत मेहनत की, अपने जान को जोखिम में डाल के और अपनी जान की फिक्र ना करते हुए लोगों की जान को बचाए। और यहाँ पे हमारे साथ है वन विभाग के फॉरेंसिक टीम। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इनको कुछ राहत सामग्री दिया जाए, क्योंकि अपने जान को जोखिम में डाल के ये लोगों की जान को बचाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं हमारा घर है मायरवा जी, ये मायरवा से आए हुए हैं। मिस कराही गांव है, मिस कराही से जी जी। हाँ, हम कहीं हमारा फर्स्ट विभाग बुलाता है, यही जाना ही आपको बोल बम हाउ मुंगेर झारखंड सब जाते हैं हम। ये बहुत दूर दराज तक जाते हैं बंदर को पकड़ने के लिए। नाम इम्तियाज है, इनका नाम इम्तियाज है। कहाँ से आप? हम हैं मायरवा मिसकराही से। मायरवा मिसकराही से है और इनका नाम इम्तियाज है और ये सिवान जिला में पड़ता है। अगर किसी को भी ऐसी बंदर को अगर पकड़ना हो तो इनको संपर्क जरूर करें। नंबर डाल दीजिए उस पर, आप इसमें नंबर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं तो 97085 93960 जी, 97085 93960। आप लोग कभी भी इसी नंबर पर आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं ऐसी अगर मुश्किलें आती हैं आप लोगों के गांव में। और मैं यही लोगों से कहना चाहूँ, 30 आदमी का हुआ। जी जी, बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ ब्लॉक के पंचायत में यहाँ पे कुसौधी पंचायत में यहाँ पे करीब 30 लोगों को काट चुका है। अभी शिकारी के भी काटा है, एक शिकारी को भी काटा है। पता नहीं अभी कितने लोगों को काटेगा, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ के फॉरेंसिक टीम द्वारा बंदर को पकड़ लिया गया है और बोरे में आप लोग देख सकते हैं कस लिया गया है। और सबसे पहले पूछना चाहेंगे कहाँ ले जाना है चाचा इसको, बंदर को कहाँ ले जाएंगे? जंगल में जाएगा, यहाँ से जंगल में ले जाएंगे। फिर जंगल में बंदरों को काटेगा नहीं अगर पागल हो गया? अब नहीं, अब जो धर देते हैं उसको फिर दूसरा जगह काटना नहीं है। बिना सुई दवा का कैसे आप पकड़ लिए? अरे सर, हमारे वो इतना वही कला है हमको पास, तो हम क्या करेंगे, वही कला है हमारा। और गांव को कुछ पानी पिलाने का जितना मुड़ियम बार नहीं उतना कटा हुआ धो के भेज दिए हैं। अच्छा। कोई ट्रैक्टर पर कूदता है तो कोई कहीं कूदता है। और केवल बंदर को पकड़ने का काम करते हैं? हाँ, बंदर और कोई लोमड़ी उमड़ी यानी शेर बाघ थोड़े है कि पकड़ेंगे। बंदर हो, लोमड़ी हो और किसी भी प्रकार का जानवर अगर पागल हो चुका है तो उसको ये पकड़ने का काम करते हैं। और लोग देख सकते हैं कितना इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग को भी अगर ऐसी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर आएँ और इम्तियाज जी से संपर्क करें, क्योंकि ये मायरवा के सिवान जिला के रहने वाले हैं। और यहाँ पे जब जाल समय और यहाँ मणि जी बहुत ही हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ही हमको खबर दिया था कि हम आके यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मणि जी, कब से आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं? हम लोग तो 5-6 घंटा से यहाँ पे हैं।
5-6 घंटा से यहाँ पे खड़े होके और बंदर से बचाव कर रहे हैं अपना। हाँ, सभी लोग का बचाव हो रहा है। हाँ, तो इन लोगों का काफी योगदान है, इन लोगों को बुलाने में जंगल यहाँ पे फॉरेंसिक टीम को। और तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अगर इसी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग इंतियाजी से संपर्क करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और सबसे और मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें।